सवालों की शुरुआत करें। सवाल देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। ए किसी काम को 40 दिन में और बी किसी काम को। अच्छा साथ दो बेटा, आप जितना हम हमेशा कह रहे हैं सवाल में दम कभी नहीं होता, दम होता है आंकड़ों में। और ये बात आप जितने नए लड़के लड़कियां भी आए पूरी गणित आपकी हम 1.5 महीने के अंदर करा के देंगे, बस आप एक कसम खा लो कि हमें सर के साथ बोलना है। समझ में आ रही बात? ना बनने की भी एक सीमा है, कब तक नहीं बनेगा। नहीं आ रही बात समझ में? ना हर चीज की एक, अरे आपने वो करत करत अभ्यास के जन्मती हो सुजान, रसरी आवत जाते ही सिल पर परत, मैंने प्रकृति के उलट काम हो जाता है। एक्चुअली घिसना किसको चाहिए? रस्सी को। लेकिन जब रस्सी कसम खा लेती कि हम तो रोज आएंगे जाएंगे रोज आएंगे जाएंगे, तो निशान किस पर पड़ जाता है? पत्थर पर पड़ जाता है। मतलब यदि आप अभ्यास में हैं तो प्रकृति के उलट काम हो जाता है। समझ में आ रही बात? अब आंकड़ों को बोलने का प्रयास करें। आज ये चीज समझ में नहीं आ रही है, कैसे नहीं आएगी बोलो, कितने दिन कितने कोड की कैपेसिटी। हो सकता है 10% समझ में आए, 20, 25, 30, और एक बार दिमाग ओपन हो गया हर चीज समझ में आएगी आपको। समझ में आ रही बात? आप डर कम करने, और एक बात मेरे बाकी सारे बच्चों से कहना है, आज आप कॉन्स्टेबल के लिए पढ़ने आए ठीक है, इन चीजों को आप साल भर पढ़े, फिर आपको चॉइस के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन मिलेगा। आप सोचेंगे कि हम कहां जाएं, कहां ज्वाइन करें एक बार, क्योंकि कोई एग्जाम दो आप, ये देखो आप तैयारी करते, हम कॉन्स्टेबल की तैयारी कर, कोई कह रहा हम ऐसा की, लेकिन सोचो तो आप मैथ्स रीजनिंग जीके कौन सा ऐसा विभाग है जो इसके बिना पेपर लेगा? है कोई विभाग? मैथ्स तैयार करना ही है, रीजनिंग तैयार करना है, जीके तैयार करना है, एक बार कंप्लीट कर लो, है ना? और एक बार कंप्लीट हो गया सो बात खत्म, फिर आप स्वतंत्र हैं, कोई भी एग्जाम निकाले आप, पदों की चिंता ना करो। इस डर में कभी नहीं रहना 100 आए 50 आए 200 आए अब हम क्या करें। ये देखो कल परसों भी हमने कहा था कि हम कितने ऊपर, अगर हम टॉपर हैं तो एक अकेला, जैसे अभी यूपीएससी का पेपर हुआ, सोचिए जो सबसे टॉप पर आया, अगर पूरे भारत में एक ही पद होता तो वो तो ले जाता, क्योंकि वो तो क्या था, टॉपर। जो टॉप 5 में अगर 5 पद होते तो वो लड़के ले जाते, जो टॉप 100 में है वो 100 पदों में ले जाते। तो आप अपने आप को टॉपर बनाओ, नीचे आप ये मत सोचो कि पद ज्यादा हो जाए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, दोनों बारी बारी से काम करें तो काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे सुनना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। क्या हुआ, अभी बार बार हम लिख नहीं रहे कि 1/40 और 1/50, अब समझ गए हैं कि 1/40 मतलब ए और 1/50 मतलब बी। ओके नहीं समझे हैं? ओके आज ए आया है और कल आया है बी, हमने दोनों को इकट्ठा कर लिया, अभी हम इसे कह रहे थे एक दिन। देखो याद करो आप, अगर इनकी कैपेसिटी जोड़ देते थे तो हम कहते थे दोनों के एक दिन का काम, हम अभी भी यही कहेंगे, लेकिन दिमाग में रखेंगे कि ये एक दिन नहीं है, एक्चुअली एक दिन ये है और एक दिन ये राउंड एक है, लेकिन एक राउंड में कितने दिन छुपे हैं? समझ में आ रही बात? अब हमने दोनों की कैपेसिटी को जोड़ा, लघुत्तम आया 200, यहां 5 आ गया, 4 आ गया, सॉरी धन आया ना, कितने हो गए? यानी दोनों के एक दिन एक राउंड का काम, अब दिन नहीं राउंड, 9/200 हा या ना? अरे क्लियर है?
हम यहां कितने तक का गुणा कर दें कि ये इसकी वैल्यू एक से ज्यादा ना हो, एक से जैसे हम 10 दिन काम करा लें तो 90 हो गया, हम 20 दिन काम करा लें तो ऊपर हो गया 180, हाँ या ना? अगर हम 21 दिन काम करा लें कितना हो जाएगा, 100, 22 दिन काम करा लें कितना, 198, यहां तक चल जाएगा। हम 22 राउंड काम करा लें, 22 राउंड में क्या होगा, 198 बटे 200। क्यों? क्योंकि अगर हम वहीं तक राउंड लगा सकते हैं जहां तक ये संख्या बड़ी ना हो जाए, क्योंकि अगर ये बड़ी हो गई तो एक से ज्यादा हो जाएगी वैल्यू। वो काम कितना होता है, एक, आप एक ही तक कर सकते हो, एक से ज्यादा काम कितना होता है भाई, नहीं होता है, अरे जोरदार आवाज हो जरा, कितना होता है, होता है, आप एक काम कर सकते हो। अब यहां पर वैल्यू अगर ज्यादा हो जाएगी, मान के चलो 201 हो गई, कितनी हो गई, 200 से भाग दोगे तो एक बार तो कंप्लीट तो जाएगा ही जाएगा, और एक बचा है तो दशमलव में और जाएगा। काम कितना होता है, सुनाई नहीं दिया, क्लियर है? हम उतने ही राउंड लगा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, जितने में करीब पहुंच जाए लेकिन ज्यादा। कितने राउंड लग गए, 22 राउंड इन द सेंस 44 दिन। ए आया बी आया, ए आया बी आया, ए आया बी आया, और ऐसे ऐसे राउंड 22 दिन कितने लग गए, चलो काम हो गया, काम हो गया 198 बटे 200, बचा कितना, 2/200, 1/100 नहीं बचा। अब ये 1/100 काम बचा है, 1/100, अब ये नंबर किसका आएगा, एक अगले दिन ए आएगा कि नहीं आएगा, अब दोनों का तो नंबर नहीं आ पाएगा, इसलिए नहीं आ पाएगा, अगर आ सकता तो एक राउंड और लग जाता, अब कंप्लीट राउंड नहीं लग पाएगा, अब तो ए आएगा बचा खुचा काम करके चला जाएगा, वो खत्म। कौन करेगा, 1/40, 40/1 कितना, 2/5 दिन और लग जाएगा, 44 सही 2/5 दिन, नहीं आ रही वासन में। अच्छा कैसे पता चलेगा, ये 2/5 दिन तो ठीक है, अगर ये मान के चलो आ जाते 1.5 दिन, तो 1.5 दिन नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि एक कितने दिन तक काम करेगा, 1 दिन तक, मतलब सवाल हम गलत कर रहे, सवाल क्या कर रहे, गलत कर रहे, क्योंकि 1.5 दिन कोई आदमी काम नहीं करेगा, क्योंकि इसका लिमिट कितना है, एक, तो एक के बाद अगला आएगा, नहीं आएगा। कितने लोग कहते हैं समझ में आ गया, ए किसी कार्य को, बी किसी कार्य को, दोनों एकांतर यानी अल्टरनेटली आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, एक दिन हमारे एक दिन तुम्हारे, एक दिन हमारे एक दिन तुम्हारे हैं, नहीं आ रही बात उनमें, कैसे करें, 1/16 आज हम आ गए, 1/12 कल तुम आ गए, दोनों को जोड़ दो, लेकिन एक्चुअली बना राउंड एक, और छुपे दिन कितने हैं, आवाज दो जरा, ओके, राउंड कितना है, राउंड कितना है, जब तक सवाल करने का ना कहें किसी की कलम चलते नजर ना आए। अब दोनों से काम करा लो, लघुत्तम कितना आएगा, बोलो 48 आएगा, यहां 3 आएगा, यहां 4 आएगा, 7/ नहीं आएगा, अरे बोलो यार, अब 7/48 एक राउंड। अब ऐसे ऐसे अगर 7 राउंड लगा दोगे तो 49/48 हो जाएगा, और ये काम हो जाएगा ज्यादा।
नहीं हो जाएगा, इसलिए हम 7 राउंड नहीं लगाएंगे। कितना लगाएंगे? 6 राउंड लगा दो। सच्चा 42/48 और जो 6 राउंड में कितने दिन? 12। हाँ या ना? काम बचा कितना? 6/48 नहीं बचा। अब ये 6/48 कैसे करना है? ए को नहीं करना है, ये 6/48 कैसे करना है? तो 6/48 और 1/16 सो 16/1 16 सोलतिया कितने हो गए? 3 × 3 = 6। सवाल गलत। नहीं आ रही बात समझ में? अब बात को समझिए जरा, कितने दिन आ गए? 2 दिन आ गए। 2 दिन नहीं आ सकते, 2 दिन नहीं आ सकते। हमें यही पोजीशन समझाना थी आपको। अब सुनिए जरा बहुत ध्यान से, सवाल फिर आइए वापस। ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आएगा। देखो आप क्या होगा, आपने कहा 1/16। देखिए बेटा, इसीलिए कहते हैं बहुत आराम से समझो कौन सी कंडीशन आ रही है। 5 सवाल ऐसे आएंगे जो फैसला करेंगे कि आप लिस्ट में होंगे या नहीं। धन 1/12 अभी आपने निकाला, 7/48 आपने कंप्लीटली राउंड लगाए, 6 नहीं लगाए, और ऐसा करके रिजर्व हो गए 12 दिन नहीं हो गए। हमने जब कहा कि ये 42/48 हो गए और हमारा काम बचा 1/42/48, तो कितना हो गया? 6/48 तो अब देखो जरा, एक मिनट सुन लीजिए जरा, मजा आएगा सवाल करने में। शेष काम 6/48। अब जैसा हम करते आ रहे थे, जैसी हमारी सुध बनी थी कि अब किसको काम करना है, ए को, और हमने एक ही कैपेसिटी से क्या दे दिया? भाग। एक ही कैपेसिटी से क्या दे दिया एक ही कैपेसिटी से भाग दे दिया। तो हमने क्या किया कि 2 दिन आ गए, लेकिन भैया 2 दिन काम करना कहां है? 1 दिन ए आएगा, 1 दिन बी आएगा, हमने लगातार ही करा दिया। ऐसे 2 दिन काम हम नहीं करा सकते। तो अब क्या करेंगे? अब ये करेंगे कि अगले दिन ए आएगा, अगले दिन ए आएगा, और ए अपना 1/16 काम करके चला जाए। बचा कितना काम है? जोरदार आवाज हो, इसमें से 1/16 और हो गया, कम कर दो, और दिन हो गए 1/13। नहीं आ रही बात समझ में? लघुत्तम फिर आया 48 जो 6 और ये हो गए 16। 48 कितने बचे? 3/48 या कह दो 1/16। अब किसका नंबर आएगा? बी का। कौन आएगा? अरे क्लियर है। अब बी की कैपेसिटी से सीधा भाग दे दो, क्योंकि बी के बाद अब ए नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अब काम खत्म हो जाएगा। अगर और होना होता तो ये राउंड एक्स्ट्रा ना लग जाते। नहीं आ रही बात समझ में? तो अब सीधा 1/16 में भाग काय का दे दो? 1/12। सुनाई नहीं दिया? ओके 13 सही, 3/4। नहीं आ रही बात समझ में? ये राउंड कंप्लीट नहीं है, क्योंकि एक तो पूरा आ रहा है, एक पूरा नहीं आ रहा, इसलिए अगला राउंड नहीं लगा। हमारी बात आपको समझ में आ रही है? और हमें गलती कहां समझ में आ गई थी? जैसे ही वो 1 से ज्यादा आंसर आया, हम समझ गए कि 1 से ज्यादा नहीं आ सकता। 1 कितने दिन काम करेगा? 1 दिन। और ये कैसे 2 दिन हो रहे? समझ में आ गई बात? अगला क्या कहा? 20 दिन 25 दिन यदि तीनों बारी बारी से काम करें। हाँ, अब देखो 3 लोगों का, 3 लोग, अब देखना
हम आपको पहले गलती करके बताएंगे कि आप क्या गलतियां करेंगे, और फिर गलती करेंगे तो सुधार कैसे होगा। हाँ या ना? अब आप देखें, एक दिन आया 1/20, एक दिन आया 1/25, और एक दिन आया 1/30। पक्का? क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या नहीं आ रही है? अब क्या हुआ, तीनों का टोटल करें, लेकिन राउंड कितना है, दिन कितने हैं? दो नहीं, तीन। दिन कितने हैं? ए बी सी, आज कल परसों। दिन कितने हैं? राउंड है एक। राउंड कितना है और दिन कितने हैं? पक्का? अरे क्लियर है? खिंच के बैठो बिल्कुल। अब तीनों को जोड़ जोड़ लो, जैसे जोड़ते हैं, लघुत्तम क्या आएगा? 300। जल्दी जोड़ के बताओ, 312 ऐसे होगा, सॉरी 15, 12, 10, 37 आएगा। 37/300। कितने राउंड लगा दें? करो गुणितार्थ करो, 8 × 8 200। पक्का? क्लियर? 8 राउंड रिजर्व कर दो, 8 × 24 दिन। राउंड लगे 8, लेकिन दिन हो गए 24। कोई डाउट? कोई डाउट है? ठीक है। अब शेष काम, 1 − 296/300 क्या? हाँ या ना? 4/300 शेष। अब करना क्या चाहिए हमें? ये काम कराना चाहिए ए से। कैसे? दो जरा ए का भाग, डायरेक्ट ए का भाग दो, 4/15 × 15/4 4/300 × 20/1 1 0 से 1 0 कट गए, 2 से काटा कितने बार, 15। हाँ ये सही है। तो सीधा सीधा ए क्या कर लेगा, अपना काम खत्म। नहीं आ रही बात समझ में? तो हमारा आंसर आ जाएगा 24 दिन, 24 सही, 4/3। लेकिन अगर यहां पर एक से ज्यादा तो हम क्या करते, इसमें से घटा देते 1/20 और यहां एक दिन बढ़ा देते। अब जितना बचता वो किससे कराते? अरे बोलो, बी का भाग देते, और बी का भाग देते, कहो एक से ज्यादा आता तो भर में 1/25 घटाते। नहीं आ रही बात समझ में? क्लियर है? कितने लोग कहते हैं बनेगा, नहीं बनेगा? ए बी सी प्रति तीसरे दिन, ए काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से, ठीक से पढ़ो पहले सवाल क्या लिखा है। ए बी सी एक काम को इतने दिन में कर सकता, ठीक है, एक काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से। ये सवाल यार सही टाइप नहीं, एक की सहायता बी कर इसको।